नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लिफ्ट इंडिया में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक और एक्सपायरी हो चुकी है और हम लोग अपनी जो बैंक निफ्टी की वीकली आयरन फ्लाई की यहां पर बैक टेस्टिंग करते हैं। तो चलते हैं अपने वीकली आयरन फ्लाई, जो कि हमें लास्ट वीक 29 सितंबर को हमें डिप्लॉय करनी है और एंड ऑफ द डे 15:20 पे, 3:20 पे। तो जो लोग पहले से जानते हैं उन्हें ऑलरेडी ये चीज पता है कि हम 3:20 पे क्यों करते हैं, और उस चीज को आप लोग दोबारा से भी समझ सकते हैं कि भाई 3:20 पे करने का हमारा एक ही मकसद रहता है कि उस सेम डे में हमारे पास कोई और मूवमेंट मार्केट ना दे, जिससे कि हमें सेम डे में कोई एडजस्टमेंट ना करनी हो। तो अब यहाँ पर हमें हमारा स्पॉट आप देख रहे हैं 37,667 है। तो जैसा कि हम लोग अपने राउंड फिगर 37,700 को लेंगे, 37,700 के कॉल एंड पुट एक स्ट्रेडल सेल कर दिया हमने। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, जो हमारा कलेक्टिव प्रीमियम है ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट है, और आप लोग जानते हैं कि हम इनिशियली 200 पॉइंट दूर वन नाइट रिस्क लेते हैं। मींस हमें जो हेजिस बाई करने हैं वो 1300 पॉइंट दूर करने हैं। तो 37,700 से पुट साइड में हेजिस कहाँ पर रहेगा? 1300 पॉइंट दूर, 36,400। सेम थिंग 1300 पॉइंट फॉर अप साइड में कहां पर आएगा? 3900। ओके फ्रेंड्स, तो आपकी आयरन फ्लाई यहां पर रेडी हो चुकी है, जिसमें आपको मैक्स प्रॉफिट ऑलमोस्ट 21,000 रुपए दिखा रहा है और मैक्स लॉस आपको करीब 11,000 रुपए दिखा रहा है। तो अब हमें नेक्स्ट इसे 15 मिनट करके बढ़ाते हैं फ्रेंड। अब हमें एडजस्ट कब करना है? एडजस्टमेंट नए लोगों, जो पुराने यूजर्स हैं उन्हें ऑलरेडी पता है, जो नए पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि नेक्स्ट डे हम, वैसे तो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर करना चाहिए, बट जिसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो ऑलमोस्ट ये जो राउंड फिगर वाले स्ट्राइक प्राइस होते हैं, जैसे कि 500 एंड 1000 पॉइंट्स वाले, वो भी एक अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं, तो हम उसे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तरीके से मानेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ऑलमोस्ट आप देख रहे हो कि मार्केट ओपन हो चुका है और हम 5 मिनट और हमने आगे बढ़ा दिया, क्योंकि इमीडिएट ओपन होते तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो आप यहां पे देख रहे हैं 37,500 करीब आ चुका है। तो एक बार हमें कॉल साइड में चेक करना चाहिए, कॉल पे हमारी हैज थी 39,000 पे, क्योंकि एक 500 एज अ सपोर्ट रिएक्ट कर सकता है। तो 39,000 पे हमें 20 रूल फॉलो करना है अनटेस्टेड साइड में। तो अब आप यहां पर देखो 20 रूल से हम कहां तक जा सकते हैं, ये 20 से अबव है, तो हमें 38,700 तक जाना है, 39,000 को एग्जिट कर देना है फ्रेंड। अब आपकी अपसाइड, आपका लॉस कम हो चुका है, डाउन साइड में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। चलते हैं 15 मिनट बढ़ाकर आगे। आपको एक जानकारी साझा करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने एलआईएस ब्लू में अपना डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है, तो फ्रेंड आप एलआईएस ब्लू में आप डीमैट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा ब्रोकर है, जिसमें अगर आप देखें तो मैं आपको बताऊं, डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, और डिलीवरी मोस्टली ब्रोकर में फ्री है आजकल डिस्काउंट ब्रोकर्स में, लेकिन एलआईएस ब्लू में एक आपको और एक अच्छी जो चीज मिलती है, उसमें आपका जो ब्रोकरेज है बाकी ब्रोकर कंपनियों के मुकाबले 25% लेस है। अभी 25% लेस का मीन्स ये है फ्रेंड कि बाकी मोस्टली ब्रोकर कंपनियों में आपको 20 रुपीज पर ऑर्डर आपको देना पड़ता है, बट एलायंस ब्लू में आपको ओनली 15 रुपीज पर ऑर्डर देना पड़ता है फ्रेंड।
इसके साथ में मैं आपको और बता दूं कि आपको इसकी वेबसाइट पे ले जाके मैं दिखाता हूँ कि एलाइस ब्लू में आपका, अगर आप ये कहें कि जो मार्जिन लेवल है वो काफी अच्छा है फ्रेंड। देखिए आपने गूगल पे आपने डाला है एलाइस ब्लू, इमीडिएटली फर्स्ट जो आ रहा है उस पे आप जा सकते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन अप करने के लिए बहुत इजी मेथड है। आप यहाँ पे साइन अप करें और अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो इसमें जो मैं आपको मार्जिन का बता रहा था, अगर आप डिलीवरी में ट्रेड करते हैं तो आपको 4 टाइम्स की मार्जिन मिलती है अप टू, और इंट्राडे में अप टू 5 टाइम्स की आपको मार्जिन मिलती है। साथ ही साथ इनके जो वेबसाइट और ऐप पर इनके जो चार्ट्स हैं बहुत ही अच्छे हैं फ्रेंड, जिसमें आप डायरेक्टली चार्ट पर आप जा सकते हैं और बहुत ही अच्छे से वर्क करता है इनका चार्ट। और इनके जो कस्टमर केयर सपोर्ट है फ्रेंड्स वो भी एक टू गुड है, बहुत ही सपोर्टिव स्टाफ है इनका। जो भी कोई चीज आपकी क्वेरी होती है तो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से, 30 मिनट बढ़ाते हैं, आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 977 हो चुका है, तो ये काफी आगे आ गया। हमें ऑलमोस्ट 38,000 के आसपास हमें एडजस्टमेंट करनी चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रेंड 38,000 हो गया है। अब देखो मार्केट तो और आगे भी गया था, मैंने अभी जैसे कि फॉरवर्ड किया था आधे घंटे, तो और वो 38,200-300 हो गया था। लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि अपने रूल्स को तोड़ना है, क्योंकि जब ये लाइव मार्केट चल रहा होगा ना, तो आप ऐसा नहीं है कि आप बैक टेस्टिंग में 38,200 देखोगे। आपको 38,000 आया है, मींस एज अ रेजिस्टेंस वो रिएक्ट कर सकता है और आपने यहाँ एडजस्टमेंट की होगी। तो जब आप बैक टेस्टिंग करते हो या बैक टेस्टिंग देखते हो, तो आपको ऐसा कभी नहीं सोचना है कि आप उस तरीके से आप मतलब बाद में आप कर लोगे। जैसे कि अभी 38,200 पे मैं करता तो मुझे शायद ये पुट साइड में और सस्ती एडजस्टमेंट मिलती, शिफ्टिंग मिलती। लेकिन हमने तो उस समय पर लाइव मार्केट अगर चल रहा होगा तो 38,000 को एज अ रेजिस्टेंस माना होगा, और जब एज अ रेजिस्टेंस 38,000 माना होगा तो हमने इस साइड में पुट साइड में एडजस्टमेंट भी की होगी। तो उससे सभी रूल्स को फॉलो करते हुए हमें चलना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो डाउन साइड में पुट साइड में जब 38,000 आया मार्केट, तो हमारी हैज कहाँ थी, 36,400 पे। अब यहाँ पर हमें 20 रूल लगाना है। आप देखते जाओ 100 पॉइंट का गैप कहाँ तक है, ऑलमोस्ट 37,000 तक है। हम यहाँ 37,000 के बाद यहाँ पर हमारा 20 रुपए से ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो हम यहाँ पर 37,000 तक आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड, और ये 36,400 को एग्जिट कर देंगे। डाउन साइड में आप देख रहे हो हमारा लॉस फ्री हो चुका है, अप साइड में हमारा 7,300 रुपए का लॉस अभी भी पेंडिंग है। अब चलते हैं फ्रेंड, 30-30 मिनट बढ़ाते हैं। अच्छा एक और चीज फ्रेंड, अब आपको यहाँ देखना है ब्रेक इवन आपका 38,404 है अपसाइड में। तो जैसे ब्रेक इवन के पास आएगा तो आपको अपनी एडजस्टमेंट कर देनी है, क्योंकि यहाँ 350 आ चुका है। हम कॉल साइड में एडजस्टमेंट कर देंगे, 38,400 को बाई कर लेंगे। ये मे बी नए यूजर्स को अगर ना समझ में आ रहा हो तो वो पुरानी वीडियोस को मेरे देख सकते हैं, और फिर भी मैं हल्का सा बता दे रहा हूँ कि हम सीधे ब्रेक इवन पे जो हमारा एटीएम प्राइस है उसे हम बाई करेंगे, और जो हमारा डाउन हैज है अपसाइड का 38,700 उसे एग्जिट कर देंगे। आप देख रहे हो हमारा बोथ साइड में 3,500 रुपए का लॉस बचा है, बट हम इधर का 3,500 रुपए का लॉस क्यों ओपन छोड़े, यहां पर हमारा 20 रूल लग रहा होगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलते हैं, हमारी हैज कहां पर थी, 37,000 पे। यहां पर देखो फ्रेंड आपको 20 रुपए के पॉइंट से आप कहां तक आ सकते हैं, 68,76,437,400, यहां पर भी 20-20 पॉइंट्स लग रहा है, यहां पर नहीं लग रहा। 37,500 पे नहीं आ सकते आप, 400 तक आ सकते हो। तो आप 37,400 को बाई कर लोगे और 37,000 को एग्जिट कर दोगे, ठीक है फ्रेंड।
अब आपकी डाउन साइड में ट्रेड बिल्कुल लॉस फ्री है, अप साइड में आपका लॉस है 5200 रुपीज का। ठीक है फ्रेंड, अब क्या करना है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, डाउन साइड में आएगा तो हमें टारगेट मिलेगा और या फिर हम अपनी एडजस्टमेंट को कर पाएंगे। ऑलमोस्ट फ्राइडे को 320 के आसपास हो चुका है और मार्केट अपसाइड में ही है, तो हमारे पास अभी करने के लिए कुछ भी नहीं है फ्रेंड। मंडे ओपन हो चुका है मार्केट, आप देख रहे हैं। फ्रेंड यहां पर आप देखें 38,200 आ चुका है मार्केट, और हमारी कॉल साइड की हेज कहां पर है, 38,400 पे है। तो फ्रेंड हम इसे एग्जिट करके क्यों ना 38,200 कर ले, हमें इस समय लॉस कम करना हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। और अब आप देख रहे हो स्क्रीन पे हमारा सिर्फ और सिर्फ लॉस 2700 रुपये का है, हमें एनी हाउ के 2700 रुपये से ज्यादा का लॉस नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, तो 30 हो गए क्लोजिंग पे, देखते हैं क्लोजिंग के आसपास। आप देखो फ्रेंड 38,059 पे चल रहा है मार्केट, 38,000 की अराउंड चल रहा है, और हम 500 रुपये प्रॉफिट में भी हैं। हमारा अप साइड में 2700 रुपये का लॉस है, हम इस लॉस को ओपन नहीं छोड़ेंगे किसी भी कंडीशन में। हम अपने हेज 38,000 को एटीएम को बाई करेंगे जाते जाते, और 38,200 को एग्जिट कर देंगे। ऑलमोस्ट आपकी ट्रेड फ्रेंड लॉस फ्री हो चुकी है, आपको किसी भी कंडीशन में 273 रुपये से ज्यादा का लॉस नहीं होने वाला इस ट्रेड में। अब हमें मेरे हिसाब से बैठना चाहिए और ट्रेड को 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाते हैं कि क्या हो सकता है नेक्स्ट। ये बहुत ही बड़ा गैप अप आया है फ्रेंड, सीधे 39,000 पर मार्केट ओपन हुआ है, तो हमारे ये सब सिनेरियो धरे के धरे रह गए, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन ये है कि हमारी रूल बेस्ड एडजस्टमेंट के कारण हमें किसी भी प्रकार का लॉस, मीन्स 275 रुपये से ज्यादा का लॉस नहीं हुआ। फ्रेंड्स जो भी न्यू व्यूअर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, उन्हें पसंद आ रहा हो कि हाँ एक इस टाइप की भी यूनिक स्ट्रेटेजी के साथ हम ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, तो वो जरूर वीडियो को, हम चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो पुराने लोग हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और नए से भी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो हम थर्सडे पे आ चुके हैं फ्रेंड, थर्सडे में आप देख रहे हैं 10:54 और मार्केट अपसाइड में ही है, तो हमारे पास कुछ खास करने को है भी नहीं। अब यहां पर स्कैल्पिंग रूल होता है जो मैंने ऑलरेडी बताया, लेकिन मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि उसमें कहीं ना कहीं रिस्क भी बढ़ता है, तो वो आप लोग अपने अनुसार देख लेना, और नहीं तो मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लेना जाकर, उनमें मैंने एक दो वीडियो में ये चीज आप लोगों के साथ शेयर की है। लेकिन ये डिपेंड करता है आप कितने रिस्क को बढ़ाना चाहते हो या नहीं रिस्क को बढ़ाना चाहते हो, वो आप अपने अनुसार भी कुछ चीजें करें। एक्सपायरी तक जाके देखते हैं, ऑलमोस्ट अब देख रहे हैं 325 हो चुके हैं और हमें अपना मैक्स लॉस 270-275 रुपये के आसपास हो रहा है, जो कि इससे ज्यादा हमें लॉस हो ही नहीं सकता था इस ट्रेड में। तो ठीक है, मार्केट है और जितनी वॉलीटिलिटी इस समय चल रही है मार्केट में आप लोग खुद ही देख रहे होंगे, तो इसमें लॉस को बचा पाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो अगर आप लोग अपने रूल्स के साथ चलकर अपने लॉस को बचा पा रहे हैं तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और फ्रेंड थैंक यू, बाय बाय। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, मैंने बता रखा है कि मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको फर्दर डिटेल मिल जाएगी जिसमें मंथली आयरन फ्लाई वगैरह डिप्लॉय करता हूँ, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन है मेरे टेलीग्राम चैनल की, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।
जय हिंद, जय भारत।